हम मान लें कि आपने देखा होगा बरगद का पेड़, आपने देखा है कितना बड़ा होता है, विशाल होता है, बरगद का बीज कितना छोटा होता है, कितना छोटा होता है, बरगद का बीज जो वो गोल आप जो कह रहे हैं ना, वो बीज नहीं होता, वो फल होता है, उसके अंदर छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे। तो नशा उसी बरगद के पेड़ की तरह है, जैसे मान के चले कि बरगद का बीज है जो एकदम बारीक है, बारीक छोटा है, आप एक बार फूंक मारेंगे तो बीज कम से कम अगर 100-200 हज़ार बीज भी अगर हाथ में लिए फूंक मारेंगे मारेंगे तो क्या होगा, उड़ जाएगा। वही जो बीज है कहीं जंगल में गिर गया, अब एक छोटा पौधा उसके अंदर से, तो उसको अगर आप उखाड़ना चाहेंगे तो कितना समय लगेगा, उखाड़ेंगे उखड़ जाएगा एक झटके में। अगर एक साल रह गया तब, अगर 5 साल रह गया तो, अगर 10 साल रह गया तो, 10 साल रह गया तो उखाड़ने में कितना समय लगेगा, पेड़ हो जाएगा, काटने से भी वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है कि बरगद का फिर शोर निकलने लगता है, अगर एक गया तो फिर उसके अंदर से दूसरा, फिर उसके अंदर से दूसरा, नीचे भी होता है, उसके बाद एक उसका जो रस्सा में निकले नीचे आएगा वो भी अपना पेड़ का रूप, आपको पता ही नहीं चलेगा ओरिजिनल तना कौन है। तो नशा उसी बरगद के पेड़ की तरह है कि अगर कोई 10 साल से 15 साल से ले रहा है तो उसकी जड़ें क्या है कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर मजबूत हो चुके, घर बना चुके, अब वो अचानक चाहेगा छोड़ना तो छूटेगा, उसके लिए समय लगेगा। बरगद का जो पेड़ है उसके लिए थोड़ा क्या लगेगा, समय लगेगा, उसको हटाने में समय लगेगा, लेकिन जो नए नए हैं वो तुरंत छोड़ देंगे। यही रीज़न होता है कि कुछ लोग बार बार आते हैं, क्योंकि वो कोशिश करेंगे लेकिन किसी ना किसी माध्यम से फिर वो चीज़ें, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंदर तक। और जो नए लोग होते हैं वो तुरंत चाहेंगे, पहली अवस्था देख के वो तुरंत छोड़ देंगे। तो इससे क्लियर हो गया कि क्या कारण होता है जो लोग बार बार आते हैं। हाँ, अब नशा क्या है कि उसी बरगद के बीज की तरह जो देखने में तो बड़ा छोटा होता है लेकिन उसका बड़ा असर जो होता है बहुत खतरनाक होता है। जैसे मान ले कि जब आपने स्टार्ट किया होगा तो उससे मैं आपने क्या सोचा था कि एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन हम पी के बहुत बड़े पियक्कड़ हो जाएंगे और किडनी लीवर खराब करके एक दिन नाले में पड़े रहेंगे, ऐसा किसी का ड्रीम था, ऐसा भी तो कोई सोचने वाले नहीं होंगे, सभी लोग चाहते हैं अरे एक पैक तो है, एक बार तो पीना, उसके बाद अपने कंट्रोल में हम रहेंगे ही रहेंगे, सब यही सोचे होंगे। लेकिन क्या हुआ, धीरे 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 परिस्थिति बिगड़ती चली गई और ऐसा समय आया कि जब आपको अपने कंट्रोल में एडिक्ट हो जाते हैं, नहीं तो नशा उसी छोटे बीज की तरह कि हमको लगता है कि हम अपने कंट्रोल में, छोटा सा है वो, लेकिन ये जैसे समय बीतते चला जाता है और ज़्यादा ये आपके ऊपर हावी होते चला जाता है। किसी भी वो आप लोग कहते हैं कि सर हम अपने कंट्रोल में, हम नशा जब चाहें छोड़ देंगे, तो यहाँ जितने भी लोग हैं हम गारंटी से बता रहे किसी का भी सपना नहीं होगा यहाँ आने का, सोचे आ जाए
हमने क्या सोचा था कि अरे अपने कंट्रोल में रहेंगे, एक बार पिएंगे उसके बाद तो सब मान लिए। लेकिन धीरे 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 लत लगते चले गए और अंदर माइंड वही जो मजा है वो बार बार ढूंढने लगता है, बार बार ढूंढने लगता है। और बार बार मजा इसलिए ढूंढने लगता है क्योंकि हमारे लाइफ में मजा है ही नहीं है। अगर हमको वही चीज अंदर से मिल रहा हो, जैसे कहने का मतलब है कि नशे की स्थिति में हम खुद को समझ रहे हैं कि हम हीरो हैं, हम अपने परिवार के लिए हीरो हैं, अपने आस पड़ोस के लिए हीरो हैं, जो चाहे वो करेंगे, यही सोचते हैं। अगर रियल लाइफ में भी अगर हम हीरो बन जाए तो हमको नशा लेना पड़ेगा, क्योंकि मजा जो हम चाह रहे तो हमको ऐसे ही मिल रहा है। हम इसीलिए ना लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अरे चलो ठीक है अभी हम अपने कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ये ले लेंगे तो हमको मज़ा आने लगेगा, अच्छा लगने लगेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जब आप अपने रियल लाइफ में हीरो बन जाएंगे, जब आप अपने रियल लाइफ में मज़ा अगर आपको आने लगेगा तो फिर नकली मज़ा कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अगर आपके घर में शादी विवाह है, देखिएगा जिस दिन आप बहुत बिजी रहेंगे, किसी घर में किसी की तबीयत खराब होगी, कोई ऐसा काम है जो आपके बिना नहीं हो सकता है, जैसे बेटी की शादी हो गई, चाहे कुछ ऐसा जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उस दिन आपके बारे में सुबह से लेकर शाम तक आप रहेंगे नशे की याद आएगी ही नहीं, यही नहीं आती है। दिन भर रूटीन ही फॉलो करते हैं, आपको याद नहीं आती है। क्योंकि दिन भर आप रूटीन फॉलो जब करते हैं तो उस समय क्या होता है कि आपको एक दिनचर्या बना कि सुबह से लेकर शाम तक अपना ये काम करते जाना, आपको सोचने का समय नहीं मिलता। कब दो कब 3 महीना 4 महीना गुजर गया पता ही नहीं चलता। लेकिन जैसे ही आप यहाँ से जाएंगे आपको काफ़ी बड़ा लंबा समय मिलेगा सोचने का, जब वो सोचने लगे तो फिर हो जाए। हाँ, इन्जॉयमेंट लाइफ में ज़रूरी है, लेकिन इन्जॉयमेंट क्या होना चाहिए, सही मायने में होना चाहिए, पॉजिटिव तरीके से होना चाहिए। और बहुत बड़े बड़े नशे करने वाले लोगों को जब अपने जीवन में असली इन्जॉयमेंट मिलने लगा उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने नशा नहीं किया। जब हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, हमको मज़ा आने लगता है, तो फिर हम इन चीज़ों से दूर हो जाते हैं। जब तक ये चीज़ें हमारे जीवन में नहीं रहेगी तब तक हम तो अब आप लोग बताइए कि यहाँ से जाने के बाद आप लोग क्या वैसा चीज़ है जो करना चाहेंगे? सर दूसरी बार आया हूँ, पहले 6 महीने वगैरह के गया था, पूरा ट्रीटमेंट ले गया। सर मुझे ये लगता है कि जैसे हम यहाँ रूटीन फॉलो करते हैं, मेरी रूटीन मतलब दिन भर अपनी अपने आप को किसी भी चीज़ में, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, उसमें व्यस्त रखते हैं, अपने आप को खाली छोड़े ही। और सर एक संगति जो हमारे पुराने दोस्त हैं, सबसे अहम मुझे ये लगता है कि पुराने दोस्त हैं, हम वहाँ जाते हैं तो एक दिन हम उसको निगलेक्ट कर देंगे, 2 दिन कर देंगे, 3 दिन कर देंगे, लेकिन मन ऐसी चीज़ें कभी ना कभी तो हो ही जाएंगी, सारी चीज़ें को तो कभी ना कभी तो हम ले ही देंगे। और पहले तो व्यस्तता है सर, बिजी रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हम लोग नशा मुक्ति केंद्र में हैं और नशे से लड़ रहे हैं, लेकिन हम लोग 24 घंटे में कभी उनके मन में नशे का ख्याल ही नहीं आता, सबसे बड़ी बात है सर, क्योंकि हम लोग बिजी हैं, 24 घंटे बिजी हैं, रूटीन फॉलो कर रहे हैं, व्यस्तता से बहुत बोल रहे हैं। जैसे आपका कहना है कि दोस्त आप जितने भी लोग हैं, जाहिर सी बात है आप सभी के मित्र होंगे, और यहाँ पे पहुँचने में ही मित्र ने ज़्यादा सहयोग दिया होगा, मित्रों का सहयोग ज़्यादा होगा।
अब थोड़ा उन मित्रों के बारे में समझते हैं कि आखिर वो मित्र है कैसे, ये समझना जरूरी है। देखिए जो नशा करने वाले, नशा जो सिखाने वाले मित्र हो, वो क्या करेंगे कि सबसे पहले आपको फ्री में, पहला जो नशा होता है वो कभी भी कोई भी इंसान खरीदता नहीं है, सबको क्या होता है फ्री में। सर एक गिलास पानी पी लेते हैं। तो कोई भी इंसान जो है वो क्या होता है कि पहला जो नशा होता है वो खरीदता नहीं है, सबको फ्री में। और नशा कराने वाले मित्र क्या करेंगे, आपको बड़ी 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 बातें करेंगे, अरे पी लो नहीं तो तुम मर्द नहीं हो, पी लो नहीं तो तुम अभी तो बच्चे हो, दूध पीते हो, हीरो जैसे नहीं हो, बहुत तरह की होती है। कुछ नहीं हो। अच्छा अच्छा ये बताइए कि आप लोग के मित्र आप लोगों को क्या कहते थे, कुछ बताइए शुरुआत में। बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करोगे, बॉडी बन जाएगा, बॉडी बन जाएगा। और कुछ सर, दो तीन दिन सफर तोड़ देने करना हो, खुद खरीद के फोन करें, आओ आप भाई यार ऐसा करो, वही दोस्त वही सर तो वही आप जो पहले से हैं वही रुचि बना के रहते हैं, क्योंकि अब तुमसे ही नहीं होता है, पहले तो मिलाते थे स्टार्टिंग में, अच्छा हमारे यहाँ मतलब पकड़ लिया हम तो जाते हैं गाड़ी से जाए नहीं। देखिए वो आपके मित्र जो होते हैं वो क्या होता है, आपको पिलाते नहीं, वो आपके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। बैंक देखे ना, जैसे इंश्योरेंस लेते हैं LIC से, एक किस्त देते हैं ना, तो वो आपके अंदर इन्वेस्ट करते हैं कि जानते हैं कि इसका घर है, पैसा है, अच्छे घर से है, तो इसको जब, क्योंकि उनको पता भैया हमको तो घर से मिलने से रहा, अब तो मिलना है नहीं, तो क्या है कि अब तो पैसा रुपये घर से मिलेगा नहीं, तो कैसे अब क्या किया जाए, इसके लिए कुछ ना कुछ तो सोचना होगा। तो फिर वो पकड़ते हैं आप लोग जिसके पास वो चीज़ें, पहले वो टारगेट करते हैं कि कौन है, किसी भी झोपड़ी वाले जिसके पास रुपया पैसा नहीं है। ये जीवन की हकीकत है कि जो गरीब होता है, जो भीख मांगता है, उसके कभी भी दोस्त नहीं बनते हैं, गरीब का कोई दोस्त नहीं होता, दोस्त उसी का होगा जिसके पास कुछ ना कुछ। तो सबसे पहले क्या होता है कि वो अपना टारगेट देखते हैं कि कौन ऐसा मित्र है जो हमारे ऊपर खर्च कर सकता है, जैसे ही उनको टारगेट मिल जाता है उसके बाद वो क्या करते हैं कि फिर आपके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, आपको पिलाएंगे। देखिए उधर से आप बात हो, हम नहीं चाहते पेट भर के, अरे आप नहीं चाहते धन्यवाद। तो आपके मित्र लोग क्या करते हैं कि आपके अंदर इन्वेस्ट करते हैं कि भैया ठीक है ये अच्छा है बंदा, चलो इसको खिलाते हैं। अब जैसे ही आपको धीरे धीरे लत लगने लगती है, तो 3-4 दिन बाद, 1 सप्ताह के बाद वो फिर क्या होता है कि आपसे कहते हैं कि अब तुम खरीद के लाओ, तो फिर आप जाते हैं, आप खरीद के लाते हैं अपने पैसे से, फिर धीरे धीरे लत बढ़ते चला जाता है और कंडीशन ऐसा आता है कि आप उनसे भी बड़े
जाते हैं, तो वो जो मित्र होते हैं वो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं आपके जीवन में। अब दोस्त का क्या होता है, दोस्त का मतलब ये होता है कि आपको मुसीबत के समय सहयोग करे। मुसीबत जब आपके ऊपर पड़े तो वो आपका हेल्प करे। अच्छा आप ये बताइए कि जो नशा करने वाला दोस्त है वो आपके मुसीबत के समय हेल्प करेगा? वो तो खुद पी के कहीं पड़ा रहे। अगर आपको ज़रूरत पड़ेगा तो क्या होगा, वो पी के कहीं पड़ा रहेगा, सोया रहेगा। नशा करने वाले जो मित्र होते हैं उनकी हकीकत ये है कि आप न्यूज़ पेपर तो अक्सर पढ़ते ही रहते हैं कि पैक बनाते समय पैक छोटा बनाने के कारण दोस्त ने दोस्त को मार दिया जान से। 100 रुपये के लिए 50 रुपये के नशे की स्थिति में दोस्त ने दोस्त का कत्ल कर दिया। ऐसा पढ़ते हैं आप लोग, देखे भी होंगे बहुत बार। तो नशा जो करने वाले मित्र जो आपके होते हैं वो उसी कैटेगरी में आते हैं कि वो कभी भी आपके ऊपर मुसीबत आएगा तो आपका हेल्प। अब क्या है कि उनकी संगति उसी तरह की है, वैसे लोगों से उनका मिलना है उठना है, चोर बदमाश। आप नशा करेंगे तो जाहिर सी बात, अगर पीना चाहेंगे तो 4 दिन उनके घर में जा रहे हैं तो 4 दिन आप अपने घर में भी तो उनको बुलाएंगे। तो जब वो आपके घर में आएंगे तो आपके घर में जो बहन बेटी बहू जो हैं उसके अंदर बहुत अच्छा नज़र डालेंगे। जाहिर सी बात है कि गलत निगाहों से देखेंगे, जैसे मौका मिलेगा कुछ गलत करना चाहेंगे। फिर यही जो दोस्ती है दुश्मनी में बदल जाती है। चाहे जब वो आस पास आएंगे परिवार के साथ आएंगे तो आस पड़ोस के लोग क्या हुआ कि उसी तरह से आपको भी देखेंगे। क्योंकि कहा जाता है कि चोर का दोस्त क्या होता है, वकील का दोस्त। तो जैसे लोगों के संगति में हम रहते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। अगर किसी अगर आप 1 महीने तक 5 चोर के साथ रहिएगा तो महीना खत्म होते होते आप भी चोरी हो जाए बन जाएगी। क्योंकि बीच में क्या बातें होंगी, वही सब बातें होंगी, कैसे चोरी करना है, कैसे क्या करना है, वह सब दिन भर जो अंदर जाएगा वही तो बाहर निकलेगा। जैसे 2 मित्र बैठे हुए हैं, दोनों नशा करने वाले हैं। एक मित्र ने कहा कि भाई मेरी जो वाइफ है वो बहुत गलत काम करती है मेरे साथ, उसका किसी और के साथ चक्कर है, अफेयर है, ये है वो है, बहुत तरह की चीज़ें वो आप बताने लगे। तो जब आप ये सब चीज़ें सुनेंगे, ये सब चीज़ें आप सुनेंगे तो आपके मन में क्या आ रहा है, यार उसकी वाइफ ऐसा करती है तो मेरी वाली भी, सब करेंगे ना आप, सवाल करेंगे ना, आके घर में लड़ाई करेंगे। आपकी वाइफ सही रहते हुए भी आप उसको मारेंगे, पीटेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे। तो कारण क्या है कि हम कैसे संगति में रहते हैं इसका बहुत असर होता है। बहुत लोग होता है कि सर कहता है कि सर हम तो नशे करने वालों के बीच में ही रहते हैं लेकिन हम पीते नहीं हैं, चाहे हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता है। लेकिन कब तक कंट्रोल करेंगे आप? 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, फिर कोई ना कोई तो कहेगा यार एक बार ट्राई कर लो, एक बार देख लो, देख। यही धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते, क्योंकि शुरुआत में हमने आपसे क्या पूछा था कि कोई ऐसा भी यहाँ पे पेशेंट है जिसने ये सोचा था कि नहीं भैया हम एक दिन, हमारा जीवन का लक्ष्य है कि एक दिन हम नशा मुक्ति केंद्र में आएंगे, ऐसा कोई सोचे थे? नहीं सोचे थे आप लोग? सबका क्या सोचना था? मैं सोचता था।
कभी भी हमने ये नहीं सपना बनाया था कि हम एक दिन नशा मुक्ति केंद्र में आएंगे, लेकिन हकीकत है कि आज हम यहाँ हैं। रीज़न यही है कि हमारे मन को लगता है कि हमेशा हम अपने कंट्रोल में रहेंगे, लेकिन हकीकत क्या है कि जैसे लोगों के साथ आप रहेंगे, जैसी संगति में रहेंगे, वैसा आपका विचार, आपका व्यवहार होते चला जाएगा, आप वैसे बनते चले जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि वैसी संगति, और वैसे संगति छूटेगी कैसे? इससे कैसे दूर रहेंगे? बहुत बढ़िया, अपने काम में व्यस्त रहेंगे। अभी जो अपने काम में हम व्यस्त रहेंगे तो आखिर कैसे व्यस्त रहेंगे? जैसे क्या है कि जीवन भर दिन भर अगर हम सोचते नहीं हम बिजी हैं बिजी है बिजी रहेंगे तो इसे खुद हो पाएंगे, ध्यान तो आपका उधर। देखिए वैसे लोगों की संगति कैसे हो जाती है इसको हम लोग समझते हैं। जैसे मान के चलिए कि आप आज दिन भर खाली बैठे, आज दिन भर आपके पास कोई काम, तो आपके मित्र ने आपको फ़ोन किया कि सुन भाई एक काम है कि हमको यहाँ खास जगह चलना है, तू चलेगा? हम तुमको खर्चा उर्चा देंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे। तो दिन भर तो आज आप खाली बैठे हैं, तो आपका जवाब क्या रहेगा? जवाब रहेगा हाँ भाई चलो चला जाए, क्योंकि हम तो वैसे भी खाली बैठे हैं, कोई काम हम है नहीं। लेकिन किसी दिन अगर आप बहुत बिजी, अगर आपका मित्र कॉल करता है चलेगा भाई यहाँ पे, तो आप क्या कहेंगे? नहीं भाई हमारे पास अपना खुद का काम है, हम अभी करेंगे हम। अब देखिए कि जब आप अपने मित्र के साथ जाते हैं, अगर आप अपने मित्र के साथ बाइक पे बैठे चले गए, दिन भर घूमे, शाम को चले आए, तो दिन भर में किसका काम हुआ, आपका या आपके मित्र का? मित्र का काम हुआ, आप तो फालतू में रहे, तो नुकसान किसका हुआ? आपका हुआ, आज पूरा दिन का 24 घंटा बर्बाद हो गया, ऊपर से नशा वशा करने लगे तो पूरा जीवन बर्बाद हो गया। अब क्या है कि जो आपका मित्र, जिसको आप मित्र कह रहे हैं ना, जिसके लिए आप अपना जीवन ये इस स्तर तक पहुँचे हैं, हकीकत ये है कि वही मित्र आपका इज्जत नहीं करता, वही मित्र आपका रिस्पेक्ट। कारण क्या है कि जब आप किसी के लिए फ्री हो जाते हैं तो फिर आपका रिस्पेक्ट घट जाता है। जैसे आप ही का मित्र एग्जांपल लेकिन मानते हैं कि आपके दो मित्र हैं, पहला मित्र है जो बहुत बड़ा डॉक्टर है जिसके पास 2400 घंटा हमेशा बिजी रहता है, उसके पास समय। दूसरा मित्र ऐसा है कि एकदम हमेशा खाली बैठा रहता है, जब आप गेट खोलेंगे गेट के बाहर ही मिलेगा। तो दोनों में से सबसे ज़्यादा आप किसको रिस्पेक्ट देंगे? पहले मित्र को रिस्पेक्ट देंगे, बड़े इज्जत के साथ उससे बात करेंगे, और दूसरे वाले के बारे में क्या बात करें, अरे कोई दोस्त पूछेगा वो कैसा है, अरे कोई नहीं हमारे पीछे पीछे तो पड़ा रहता है, एक फ़ोन करेंगे तुरंत चला आएगा, ना विश्वास है तो देखो अभी कॉल करके बुला, कोई काम काम नहीं है उसका। तो क्या होता है कि हम अपना रिस्पेक्ट खुद गवा रहे हैं, समाज में हमारा इज्जत कम हो जाता है। आप एक मिनट देखिए, ये रूम जो है आप सभी बैठे हुए यहाँ पे, इस रूम में देखिए जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी सामान यहाँ मौजूद हैं, सबका कुछ ना कुछ यूज़ है। अगर किसी सामान का कोई यूज नहीं होगा तो वो अगले दिन कहाँ मिलेगा? अगले दिन कचरे के डब्बे में मिलेगा।
कि अगर हमारे जीवन का कोई यूज़ नहीं है तो फिर हम कहाँ मिलेंगे? यूज नहीं है, जो चाहेगा इधर हटाएगा, जो चाहेगा उधर फेंकेगा। ये नशा मुक्ति केंद्र में आप ऐसा नहीं है कि आप कचरे के डब्बे में, यहाँ पे देखिए आपको इसलिए रखा जाता है ना, आप इस चीज़ को समझिए कि हम यहाँ जो है आखिर है क्यों। बहुत लोग होता है कि सर घर वाले हमसे परेशान हैं, परिवार वाले परेशान हैं, इसीलिए हमको डाले। नहीं, ऐसा नहीं। अगर घर वाले आपसे छुटकारा ही चाहते ना, तो उनके पास सबसे सिंपल तरीका ये था कि अगर आप 100 रुपये का पी रहे हैं, आपको 500 रुपये दे देते, ले भाई पी लो। एक साल में जो किडनी खराब होने वाला रहता वो 6 महीना में 2 महीना में खराब होता भगवान के पास। यहाँ पे आने का मतलब ये कि भैया साल भर से ज़्यादा हम नहीं रह पाएंगे, डॉक्टर भी कहता कि अब ये ना बचेंगे, आखिरी उम्मीद है। तो यहाँ भेजने का मेन मकसद परिवार का ये होता है ना कि अभी भी उनको आपसे उम्मीद है। वो तो आपको कचरा नहीं समझ रहे, वो क्या है कि आपसे अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। आपके परिवार में आपकी वाइफ को उम्मीद है, आपके बच्चे को उम्मीद है, आपके घर वालों को उम्मीद है कि अभी भी ये सही हो कि आ सकते हैं हमारे जीवन में, इसलिए आपको यहाँ भेजा जाता है। बहुत लोग होता है कि हमारी वाइफ ने हमको धोखा दे दिया, गलत तरीके से हमको यहाँ भेज दिया। नहीं, अगर आपके वाइफ को भी अगर आपको धोखा ही देना रहता तो जिस कंडीशन में थे उससे बढ़िया कंडीशन कुछ नहीं हो सकता है। तो कोर्ट में जाती सीधे कहती कि अरे तो पीते हैं, दिन भर पी के पड़े रहते, हमको मारते रहते। जज कहते ठीक है फिर जाओ, ज़मीन तो अपने नाम करवा लो, आधा ले लो, जो मन करे करो। अगर पिता को आपसे तकलीफ रहती, पिता कहते ठीक है मैं काम कीजिए, इसको जेल में डाल दीजिए, चाहे कोई गलत तरीके। बहुत सारे वकील हैं, बहुत तरह के राय देते, आप यहाँ नहीं रहे। यहाँ पे होने का मेन है कि अभी भी परिवार को उम्मीद है उनसे कि हम कुछ बढ़िया कर सकते हैं, और कम से कम अपने जीवन में तो अच्छा कर ही सकते। आप स्वस्थ हो जाइए, अपने परिवार को देखिए, अपने घर वालों को देखिए, उनके लिए उतना ही बहुत है। आपसे ये उम्मीद नहीं करते कि आप करोड़ों अरबों रुपया कमाइए, आपसे बस इतना उम्मीद करते कि आप उनके सामने जिंदा रहिए, बिना नशे के खड़ा रहिए, उनके लिए बहुत ज़्यादा है। कम से कम इतना तो हम दे ही सकते हैं उनको, अपने परिवार को कम से कम। अरे सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उनके साथ खड़ा तो रह सकते हैं। कौन बड़ी ऐसी चीज़ है नशा से? क्या आपने इतने किसी ने 5 साल पिया, किसी ने 10 साल पिया, क्या हासिल कर लिया? कुछ नहीं, पैसा भी जाता है, इज्जत भी जाती है, सब जाता। 5 साल 10 साल आपने लिया, कुछ हासिल हुआ? एक भी रुपया कुछ हासिल गवा? देखिए हकीकत जीवन की यही है ना कि जो सबसे बड़ा नशेड़ी इंसान रहेगा ना, अगर उसका बच्चा नशा लेगा तो उसको क्या कहेगा? आप क्या सजेशन देंगे अपने पीढ़ी को कि नशा नहीं। अगर अच्छा चीज़ होता तो हम क्या कहते कि भाई नशा करो, हमको मज़ा आ रहा है तुमको भी मज़ा। लेकिन हम क्या सजेशन करेंगे कि बच्चा नशा? जैसे यहाँ से अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो जैसे घर जब जाते हैं तो आप घर के लिए क्या खरीद के जाते हैं? फल, अच्छी सब्जी, अच्छा मिठाई। काम करके जब जाते हैं शाम को तो कुछ बच्चों के लिए क्या लेके जाते हैं? अगर नशा ही इतना बढ़िया रहता तो आप बच्चों के लिए, वाइफ के लिए पैक करवा के लेके जाते ना, घर भी पिए भैया। क्योंकि हमको पता है हम नशा अगर कर भी रहे हैं तो हमको ये पता है कि ये गलत है। अगर हमारा बच्चा करेगा तो हम उसको क्या करेंगे? मारेंगे, पीटेंगे, डांटेंगे, देखो भैया ये मत करो, क्योंकि हमको पता है कि ये गलत है। जो चीज़ हमको खुद पता है कि ये गलत है तो फिर हम क्यों कर रहे हैं?
हाँ, अगर इससे कुछ हासिल होता है तब तो भैया पूरे परिवार को बुलाइए, अगर कुछ अलग मिलता है तो बताइए उसके बारे में, पूरे परिवार को समाज को बताइए चौड़े होके कि हाँ ये मिलता है इससे ये फ़ायदा होता है, ऐसा भी कीजिए। तो कोई ऐसा भी है जो बताएंगे घर पे ये फ़ायदा होता है? कोशिश कीजिए किताब लिखने का नशे के फ़ायदे। तो ऐसा कोई फ़ायदा नहीं। सबसे पहले अगर हमको ये इतना लंबा समय हम दे दिए, हमको पता है कि इससे कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर करने का कोई मतलब भी नहीं रहता। जितना भी करेंगे घूम फिर के वहीं आएंगे, फिर शरीर डिमांड करेगा, फिर खोजेंगे, फिर पिएंगे, फिर या तो नशा मुक्ति केंद्र में या फिर हॉस्पिटल में। एक साल दो साल गुजरेगा, डॉक्टर कहेगा भैया अब इनका लीवर नहीं बचा है, किडनी नहीं बचा, अब ये भगवान को। फिर परिवार भी दो महीना चार महीना साल भर रोएगा चिल्लाएगा, फिर वो भी धीरे धीरे भूल जाएंगे। जीवन में आप रहे ना रहे दुनिया को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो हकीकत है, आपको लगता है कि जीवन में किसी को फर्क पड़ेगा, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। सब दो महीना चार महीना साल भर के बाद भूल जाएंगे। हाँ, फर्क किसको पड़ेगा? आपकी वाइफ को, आपके बच्चे को, आपकी माता को, आपके पिता को, क्योंकि वो अपना अनमोल परिवार का जो सदस्य है उसको खो देंगे। बाकी दुनिया में आपके मित्र हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भैया ये बहुत ज़्यादा हुआ क्योंकि ये पैक नहीं पिला रहे, चलो ठीक है दूसरे से मांगते, वो तो ख़त्म हो गया। फिर बड़े चौड़े हो के वही आपके मित्र